यूपी के आजमगढ़ जिले में निजामाबाद में ब्लैक पॉटरी का कारोबार लगातार फल फूल रहा है। 300 साल पुरानी इस कला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुरीद हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्लैक पॉटरी का डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और मुगल काल से चले आ रहे इस ब्लैक पॉटरी के कारोबार से करीब 300 घरों को रोजगार मिला है। यूपी का आजमगढ़ जिला भले ही उद्योग विहीन हो लेकिन कला संस्कृति और साहित्य का धनवान जिला है। हिंदी के पहले महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध भी निजामाबाद की ही धरती पर जन्मे। क्रांतिकारियों और सेनानियों से भी निजामाबाद का इतिहास भरा हुआ है। आजमगढ़ शहर का जब भी जिक्र होता है निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी के बिना अधूरा रहता है। मुख्यालय से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर निजामाबाद की काली मिट्टी के बने नक्काशीदार बर्तन न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में आजमगढ़ और निजामाबाद को पहचान दिला रहे हैं। 300 साल पुरानी ब्लैक पॉटरी की कला को निजामाबाद के कुम्हारों ने आज भी जीवित रखा, न सिर्फ कला के रूप में बल्कि रोजगार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाया। भाजपा सरकार में ODOP के तहत काफी बढ़ावा मिला। PM मोदी ने इस कला को पहचाना और इसे बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री ने भी देश की लोक कला को बढ़ावा देने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले उपहारों की सूची में ब्लैक पॉटरी को शामिल किया। देश की राजदूत हूँ या राजनेता, दूसरे देशों को उपहारों ब्लैक पॉटरी के बर्तनों को उपहार स्वरूप देने लगे। बौद्धिक संपदा सूची यानी ज्योग्राफिकल इंडेक्स में इन बर्तनों को दर्ज किया गया। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि ये कला मुगल काल में गुजरात से आई। कुछ का ये भी मानना है कि ये कला आंध्र प्रदेश से आई, पर ये बात साफ है कि ब्लैक पॉटरी की कला मुगल काल से चली आ रही है। निजामाबाद के ब्लैक पॉटरी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि सजावट के लिए इनमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात भी दिलचस्प है कि इन बर्तनों को बनाने के लिए महीनों की मेहनत लगती है। अमूमन अप्रैल मई के महीने में तालाबों के सूखने पर मिट्टी निकाल के इकट्ठा की जाती है और बाद में इसे अच्छे से साफ करके पानी में गूंथा जाता है। फिर चाक पर उन्हें सांचों की मदद से अलग अलग आकार में ढाल दिया जाता है। पकाने के बाद इन पर सरसों का तेल और सब्जियों का चूर्ण इस्तेमाल करते हैं ताकि इनकी चमक बढ़ जाए। इन बर्तनों को नेचुरल काला रंग देने के लिए इन्हें खास तौर से चावल की भूसी वाली मिट्टी में पकाया जाता है। सजावट के लिए जस्ता, चांदी के पाउडर और पारे का इस्तेमाल होता है। इसके बाद उन्हें अच्छे से पॉलिश करके पूरी तरह तैयार कर दिया जाता है। वैसे तो निजामाबाद के लगभग 2 दर्जन गाँव में ब्लैक पॉटरी की कला फैली हुई है, पर निजामाबाद की हुसैनाबाद को इस कला का केंद्र माना जाता है। यहाँ के कुम्हारों समेत 300 से 400 परिवार ब्लैक पॉटरी के कारोबार और निर्माण से जुड़े हुए हैं। इसमें कुम्हारों समेत टेरिकोटा और सजावट के कारीगर भी शामिल हैं। सबसे पहले क्या हुआ था कि यहाँ पे बहुत ही रोजगार का विशेष कोई साधन नहीं था, फिर एक लहर दौड़ी लोगों में और लोगों ने ब्लैक पॉटरी के काम को एक अपने मेहनत से बहुत ऊंचाइयों तक लेके गए। आज पूरे देश में नहीं, पूरे विदेशों में ब्लैक पॉटरी का वो जो डंका है वो बन रहा है। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी अपने इस हाथ से बने सामान का काफ़ी सम्मान किया और यहाँ की जो कला है उसको अब जापान के राष्ट्र प्रधानमंत्री जी को उन्होंने भेंट स्वरूप दिया, इससे ये कला को कुछ ज़्यादा सम्मान मिला और आज सुप्रसिद्ध है ब्लैक पॉटरी यहाँ का। मैं रवि सिंह, मैं आजमगढ़ से इस ब्लैक पॉटरी उद्योग के बारे में सुनकर के यहाँ आया हूँ। यह वस्तुतः आखिर में हमें यहाँ तक देख के लगा, यह धर्म, संस्कृति, अध्यात्म और अर्थव्यवस्था, इन सबको कंबाइन करके यह अद्भुत प्रोडक्ट आजमगढ़ का जो पूरे विश्व में सबका नाम कर रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है। इस उद्योग को संरक्षण की आवश्यकता है हमारे ख्याल से एक आम नागरिक होने के नाते, और ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्तर पर जो भी योजनाएं हों
खरीदने के लिए दी जाए, उनको प्रोत्साहन दिया जाए। इन परिवारों के हजारों सदस्य के लिए ब्लैक पॉटरी की कला आय का प्रमुख स्रोत रही है। इस कला की इतनी मांग है कि आजमगढ़ के राजस्व में ये कला सालाना 2 से 3 करोड़ रुपए का योगदान देती है। यहाँ बने हुए बर्तनों का 80% हिस्सा विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। सरकार से जो सुविधाएं चाहिए, हमें सारी सुविधाएं लगभग मैक्सिमम मिल चुकी है, बस एक सुविधा और रह गई है। थोड़ी हमारी पैकेजिंग की व्यवस्था अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड आइटम है और किसी एक वस्तु का तो पैकेजिंग बन सकता है, अनलिमिटेड का नहीं। तो हमारा ये सरकार से गुजारिश है, मांग कहेंगे तो कि इस तरह कोई एक इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री ही लगा दें हमारे निजामबंद, जहां हम अपने साइज के हिसाब से बॉक्सेज बना सकें और इसको बाहर भेज सकें, क्योंकि बाहर से बहुत सारे डिमांड है, लेकिन हमारे पैकेजिंग व्यवस्था अच्छी ना होने के कारण हम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनपद एक उत्पाद योजना से आजमगढ़ से ब्लैक पॉटरी को चुना ताकि उसे बढ़ावा दिया जा सके। मेलों में भी ब्लैक पॉटरी को प्रदर्शित किया जा रहा है। वहीं निजामाबाद के लोगों ने भी बर्तनों को बेचने के लिए बढ़िया दुकानें खोल ली हैं। इन बर्तनों को ऑनलाइन बिकने के लिए भी उपलब्ध करा दिया गया है। इन प्रयासों से अब निजामाबाद की आय बढ़ने लगी है।